कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया है, रिसीव किया है उनको। जयपुर एयरपोर्ट से पीसीसी वॉर रूम के लिए फिलहाल केसी वेणुगोपाल रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने, और अब वॉर रूम में बैठक लेंगे, उसके लिए वॉर रूम के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, वॉर रूम में बैठक लेंगे और एयरपोर्ट पर डोटासरा और रंधावा ने उनका स्वागत किया, उनको रिसीव किया। तो फिलहाल केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बाहर आए तो उनका स्वागत सत्कार किया और रिसीव किया उनको प्रभारी रंधावा और पीसी चीफ डोटासरा ने। सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़े हुए। दिनेश, कोर कमेटी की आज पहली बैठक होने जा रही है और केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस में जो सियासी रणनीति है उसको गतिविधियां तेज हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने आज राजस्थान के रंग में हुंकार भरी, तो वही स्टैंडिंग कमेटी है वो ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मंथन कर रही है और अब नंबर दो पोस्ट पर काबिज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल वो जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर प्रभारी रंधावा और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको रिसीव किया और उसके बाद सीधे उनका पीसीसी में, जहां कोर कमेटी की पहली बैठक होगी। करीब 10 नेता सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा, स्पीकर सिद्धी दोषी जैसे वरिष्ठ नेता कोर कमेटी में है और उनके साथ चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। किस तरह जो दिग्गज नेता है राहुल गांधी की सभा विदेश से लौटते ही कहां करवाती है, किस तरह सरकार की योजनाओं और किस तरह आकर्षक स्लोगन के साथ चुनावी रण में अब आगे बढ़ना है। और 3 महीने अब कह सकते हैं कि तमाम जो रैली है, सभाएं है, रोड शो है वो पूरे परवान पर रहेंगे। वहीं उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को लेकर भी बताया जा सकता है इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम में पहुंचने वाले हैं और बाकी जो नेता है वहां पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही वेणुगोपाल वहां पहुंचेंगे विधिवत बैठक की शुरुआत होगी और लंबी मैराथन बैठक ये जारी रह सकती है। और सामने आ रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई और दोनों सदस्य अध्यक्ष सर और गणेश गोरिया भी इस कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। तो फील्ड में जहाँ चुनावी जनसभाएं और रैलियां हो रही है तो वहीं अंदर खाने चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया है वो जारी है, उसकी एक्सरसाइज जारी है। जी सब, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए। तो सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए थे फोनलाइन पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो तमाम नेता पीसीसी वॉर रूम पहुंचे। सचिन पायलट आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट पहुंच चुके हैं, सीपी जोशी पहुंच चुके हैं वॉर रूम और तमाम जो नेता हैं वो बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचने वाले हैं।